नमस्कार दोस्तों, भारत का सच्चा शेर खासतौर पे इतिहास रहा है। पहली बार कोई विदेश मंत्री बना है जो अमेरिका, यूरोप और चाइना और रशिया सबको धो रहा है, दौरा दौरा के धो रहा है। और बड़ी बात यह है, अब की बार जयशंकर जी यूरोप में बैठ के, जी हाँ दोस्तों, यूरोप में जाके पूरे यूरोप को नंगा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जयशंकर जी ने ओपनली कहा है, तुम करो तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, यानी कि तुम थोड़ा नाच लो भैया, ये तो बहुत बड़ा रासलीला हो गया, और हम अच्छा भी कर ले तो बुरा है, ऐसा कब तक चलेगा। और दोस्तों जयशंकर जी ने ओपनली कहा है कि भैया यूरोप का देश अपने दिमाग से ये निकाल ले कि अगर कोई खतरा यूरोप पे आता है, अगर यूरोप में कोई युद्ध छिड़ता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये युद्ध पूरे दुनिया पे चलेगा, इससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगा, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस प्रकार से मान लो भारत पाकिस्तान में युद्ध होता है, उसे यूरोप और अमेरिका को खतरा नहीं होता है, उसी प्रकार यूरोप में कोई झगड़ा चले उसे दुनिया को खतरा नहीं है। ये आपका मानसिकता है, अपने माइंडसेट को बदलिए। ये नहीं कि यूरोप में खतरा है तो पूरे दुनिया में खतरा आ जाएगा, और यूरोप में कुछ नहीं है तो कहीं पर कुछ नहीं है। हाँ, जब जापान चीन युद्ध होता है तो उस समय कोई खतरा नहीं होता है, जब तालिबान कब्जा करता है पूरे अफगानिस्तान पर, उस समय पूरे दुनिया का खतरा नहीं है। लेकिन आज यूक्रेन में छोटा सा युद्ध क्या छिड़ गया है, पूरे दुनिया खतरा में आ गया भैया, ये तो यूरोप का मानसिकता क्या है। दोस्तों ओपनली जयशंकर जी ने यूरोप का कार्ड दिखा दिया और ओपनली बोल दिया है कि हमें ये ज्ञान मत दो, यूरोप का देश, पश्चिमी देश अमेरिका, हमें ये ज्ञान मत दो कि चाइना हम पे हमला कर देगा। कुछ दिनों से यूरोप अमेरिका हम पे प्रेशर बना रहा है कि चाइना हम पे हमला करेगा तो यूरोप अमेरिका हाथ पीछे कर लेगा, भारत हार जाएगा। दोस्तों जैसा जो पहले कहा कि ये मानसिकता बदल लो, भारत पे हमला करने का चीन में क्षमता नहीं, और यूक्रेन रूस का तुलना भारत चीन युद्ध से मत करो, भारत चीन का युद्ध अलग लेवल का ही होगा, ये यूक्रेन और रूस का कोई तुलना है क्या? फिर भी ये युद्ध इतना लंबा चला, और भारत पे हमला करने का चीन कोशिश करेगा, उसका क्या हाल होगा, ये तुम दिमाग से निकाल लो। और तुम्हारे समर्थन के बिना भी हम चीन से लड़े हैं भैया, यूरोप अमेरिका हमारा 5 साल से मित्र हुआ ना, 10 साल से हुआ है, उससे पहले तो हमारा विरोधी था, लेकिन हमने चीन से कई बार युद्ध लड़ा भी है और चीन को मारा भी है, 1962 में हुआ, 67 में हुआ, हमने चीन को कई बार देखा है। तो आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि भैया भारत में इतना पावर है, वो किसी से अपना मुसीबत का सामना कर सकता है, आप हमें ज्ञान क्यों देते हो? दोस्तों जयशंकर जी ने बहुत कुछ कहा है और पूरे यूरोप के मीडिया में खलबली मच गया है, यूरोप में तहलका मच गया है, अमेरिका सब बोला भैया ये जयशंकर जी सबको नंगा करके छोड़ रहा है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, आप लोग पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा, आखिरकार कहां पे ये बयान जारी किया है और क्यों दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है और चीन भी चिंतित हो गया। दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए, लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूं, दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं, आप लोग से फिर से अनुरोध है, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। आप लोग का लाइक, कमेंट और शेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों जयशंकर जी का रणनीति है ना, वो सबसे बेहतरीन रणनीति है, और आप देखेंगे भारत के इतिहास में खासतौर पर विदेश मंत्रियों की लिस्ट में जयशंकर जी का नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा, और वो भी बेहतरीन काम के लिए, यानी कि बेझिझक सबसे ओपनली भारत को अपना पक्ष रखता है, भैया भारत का पक्ष क्या है। दोस्तों जयशंकर जी पढ़े लिखे लोग, और बड़ी बात यह है, इसीलिए कहा जाता है, हमेशा दुनिया में कहा जाता है, जो काम एक पढ़े लिखे लोग कर सकता है ना, नेता कभी नहीं कर सकता है। दोस्तों नेता क्या बोलता है उसे भी पता नहीं चलता है, नेता कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, यानी कि अगर कोई नेता विदेश मंत्री बनता है तो उसका भाषण भी नेता जैसा ही होगा। दोस्तों अब तक हमारे इतिहास में रहा है केवल जो पॉलिटिकल लोग हैं वो विदेश मंत्री बनते हैं, लेकिन दोस्तों ये पद पढ़े लिखे लोगों का है जिसे दुनिया का समझ हो। और जयशंकर जी दोस्तों कई सालों से फॉरेन पॉलिसी पे काम कर रहा था, और कई जगह दोस्तों कई देश में डिप्लॉय भी रह चुका है, इसीलिए जयशंकर जी दोस्तों पढ़े लिखे होने का अभी सबूत दे रहा है, और बता दिया कि भैया क्यों पढ़ा लिखा खासतौर पर लोग देश को तरक्की कर सकता है। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों आप जानते हैं 5 दिन के दौरे पे जयशंकर जी खासतौर पर यूरोप गए हुए हैं, खासतौर पर दोस्तों सोलोविया, खासतौर पर जहाँ पे यूक्रेन का सीमा है ना उसके उस पार सोलोविया देश है, बड़ी बात तो यह है वहाँ पे वो अभी मीटिंग कर रहा है, और वहाँ पे उन्होंने एक बयान दे दिया। दरअसल जब उससे पूछा गया भैया ये बताओ अगर आप इतना गेम खेल रहे हैं, आप अभी देख रहे हैं अमेरिका फंसा हुआ, यूरोप फंसा हुआ है, तो आपको तो खुल के अमेरिका यूरोप का साथ देना चाहिए ना, आप यहाँ पे गेम क्यों खेल रहे हैं, रूस का साथ दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप चीन का भी साथ दे रहे हैं, क्योंकि रूस चीन तो एक है, और रूस मजबूत होगा तो चीन भी मजबूत होगा, तो आप ये क्या कर रहे हैं, आपको डर होना चाहिए कि चीन आप पे हमला कर देगा। दोस्तों जयशंकर जी ने ओपनली प्यार से कहा कि भैया ये मन से तुम निकाल लो, भारत और चीन एक न्यूक्लियर पावर देश है, और बड़ी बात तो यह है भारत के पास एक दो नहीं
लाखों यानी कि 10 लाख से ऊपर सेना है। भारत के पास 2,2500 से अधिक फाइटर प्लेन हैं। भारत के पास सब कुछ है, अपना टैंक है, भारत खुद ही अब आत्मनिर्भर बन रहा है। तो तुम ये कैसे कह रहे हो कि चीन भारत पे हमला कर देगा, और जब चीन भारत पे हमला करेगा तो क्या उसे हम छोड़ देंगे? अरे भाई, चीन का औकात नहीं जो हम पे चीन हमला कर दे। और जिस दिन चाइना हम पे हमला करेगा तो समझो तुम्हारा पता साफ है। पहली बात तो यह है, चीन हम पे हमला करेगा ना तो तुम्हारा क्या होगा, तुम ये सोचो। क्योंकि भारत अपने हक के लिए लड़ेगा, भारत अपने हक के लिए जान भी दे देगा। चीन तो क्या दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हारा जो कुर्सी आज हिल रहा है ना, तुम कैसे बचाओगे? तुम्हारा कुर्सी तो बिना लड़े हुए हिल रहा है। हम चीन से लड़ाई करें ना करें, ये हम पे डिपेंड रहता है। दोस्तों, भारत ने पहले कह दिया, चीन भारत में युद्ध हो ना हो लेकिन किसी का कुर्सी नहीं छीनेगा। लेकिन अमेरिका चीन में युद्ध नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी अमेरिका कुर्सी जाने वाला है, यानी कि शांतिपूर्वक ही तुम्हारा कुर्सी चला जाएगा। इसीलिए तुम अपना कुर्सी बचाओ, हमें तुम ज्ञान मत दो। और हमें पावर है कि हम चीन को रोक सकते हैं। जब अमेरिका का तनाशाही हम रोके 1971 में पाकिस्तान में घुसे, पाकिस्तान ने हमारे बांग्लादेश को बना दिए, तो अभी क्या हमें दम नहीं है क्या? ये तुम लोग सोचना बंद कर दो कि हमारा क्या होगा। हाँ, रही बात क्वाड का, इंडो पैसिफिक का, तो ये मत सोचो कि हम डर के, चीन से डर के तुम्हारे साथ गए हुए। ये मानसिकता बदल लो। हम ये इसलिए कर रहे हैं, चीन को दिखाना चाहते हैं, जब तुम गुट बना सकते हो पाकिस्तान के साथ, तुम गुट बना सकते हो नॉर्थ कोरिया के साथ, ईरान के साथ, रूस के साथ, तो हमारा भी गुट होगा। हम भी एशिया को महाशक्ति बनाने के लिए अमेरिका से हाथ मिलाएंगे। यानी कि हम तो संदेश देने का काम कर रहे हैं और तुम हमें कमजोर समझ रहे हो, क्या मूर्खता है। और दोस्तों, एजेसन ने पहले कहा कि देखो भैया, अमेरिका खासतौर पे राजनीति करके रोटी सेकना जानता है, यूरोप राजनीति करके रोटी सेकना जानता है, और यही कारण है कि चीन और पाकिस्तान अमेरिका से आज नफरत करता है। पाकिस्तान आज बुरी तरह से अमेरिका को गल देता है, यही कारण है। क्योंकि अमेरिका यूरोप का केवल एक ही दस्तूर है, पहले किसी का यूज करो और बाद में उसे पूरी तरह से फेंक दो। और ये काम हमारे साथ मत करना, आंख निकाल के फेंक दूंगा, गोटियां खलूंगा गोटियां। दोस्तों, भारत ने पहले कह दिया, तुम्हें जो करना है करे पाकिस्तान के साथ, तुम्हें जो करना है चीन के साथ करे, तुम्हें जो करना है सीरिया, तुम्हें जो करना है इजराइल, किसी के साथ जो करना कर, लेकिन हमारे साथ गेम मत खेलना। हमें ये मत बताना कि किससे लड़ना है किससे नहीं। और बड़ी बात यह है, भारत दुनिया का चौथा महाशक्ति देश है, सैन्य महाशक्ति है, चीन दुनिया का तीसरा है। जब लोहा लोहा लड़ेगा ना, तो लोहा के बीच में बहुत बड़ा आग निकलेगा, उसी आग में दुनिया झलस के मर जाएगा। इसीलिए भारत चीन का कभी भी वह युद्ध नहीं होगा जो तुम सोच रहे हो, ठीक है? हल्का फुल्का सिर्फ होते आया है और होगा, और बड़ा युद्ध होगा भी। तुम डरते हैं क्या? हमारे पास पावर है, चीन को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। गलवान घाटी में क्या हुआ, अमेरिका ने बचाया क्या? कुछ नहीं किया, अमेरिका अपने घर में था, लेकिन फिर भी हमने चीन का 50 सैनिकों को कहानी खत्म कर दिया, उसका अंत कर दिया। हमारा 20 शहीद हुआ, उसको 50 मारा गया। इसीलिए टेंशन तुम मत लो हमें कैसे आगे बढ़ना है। हाँ, तुम्हें अगर दोस्ती रखना है तो तुम इस प्रकार का भाषा उपयोग मत करना कि अगर चाइना भारत पे हमला कर देगा तो क्या होगा। ये अमेरिका वाले यूरोप वाले कान को सुन ले, आज के बाद कभी भी हमें ये ज्ञान मत देना। तुम्हें जो चाहे करो, वर्तमान में क्लाइमेट चेंज का मुद्दा खत्म हो चुका है, वर्तमान में दुनिया में महामारी का मुद्दा खत्म हो चुका है। अभी केवल एक ही मुद्दा है, यूक्रेन पे हमला हो गया तो पूरे यूरोप पे हमला हो गया, पूरे दुनिया खतरा में। ऐसा कुछ नहीं है, ये केंद्रबिंदु नहीं है, यानी कि यहीं से वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा। ये आपका मानसिकता है, हम लोग नहीं मानते हैं। जब पाकिस्तान में कुछ होता है, भारत में युद्ध होता है, तो क्या उस समय दुनिया खतरा में नहीं पड़ता है क्या? ये क्या मान सकते हैं आप लोग का, ये बदलिए। दोस्तों, भारत ने ओपनली यूरोप का जो चेहरा है ना, पूरी तरह से दुनिया सामने ला दिया, यूरोप को नंगा कर दिया है, और इसे कहते हैं असली भारत का शेर घर में घुस के मारना। दोस्तों, सच्चाई यही है, वाणी का जो ताकत है ना और लिखने का जो ताकत है ना, दुनिया में क्रांति लाता है। और अजय शंकर जी का ये वाणी क्रांति ला के रखेगा, दुनिया के तमाम छोटे मोटे देश को हिम्मत देगा कि भैया यूरोप अमेरिका का दोगला नीति को खासतौर पर एक्सपोज करो, दुनिया सामने में चरित्र रखो, अमेरिका का चरित्र क्या है, यूरोप का चरित्र क्या है, वो दिखाओ।